हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो देख के आपको ये पता लग रहा होगा कि आज का वीडियो मैंने अपने गार्डन ओवरव्यू के ऊपर बनाया है। फ्रेंड्स, मैंने अपने गार्डन में जाड़ों के अधिक से अधिक फूल ऐड किए हैं और इनको इस गार्डन को तैयार करने में हम लोगों को काफ़ी समय लग जाता है। अक्टूबर से किसी की कलम लगाना, कोई पौधा नर्सरी से भी लाते हैं, किसी में खाद आदि डाल के उसको तैयार करना, पिछले साल की गुलदाउदी आदि को तैयार करना, ये सब करते हुए हम लोगों को दिसंबर आ जाता है। परंतु ये बसंत का जो मौसम है, ये इस समय गार्डन्स मैक्सिमम ब्लूम पे रहते हैं। बसंत का मौसम फूलों का मौसम कहा जाता है। तो मैंने कहा कि 2023 का गार्डन ओवरव्यू मैं अपना जो है शेयर कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा गार्डन दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको आज अपने गार्डन की सैर कराऊंगी और दिखाऊंगी कि मैंने अपने गार्डन में किन किन पौधों को लगा रखा है और वो किस तरीके से ब्लूम कर रहे हैं। सबका नाम भी बताऊंगी, अगर आप लोग भी रुचि रखते हो तो इसी प्रकार से अपने गार्डन्स को तैयार कीजिए और इसको गार्डन को लगाने से, गार्डन में पौधे ऐड करने से आपके जो घर है उसकी भी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम लोग अपने गार्डन्स को सम विंटर्स के लिए तैयार करते हैं। तो चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन कीजिए प्रेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊं इधर से, ये तो मेरा नारंगी का देखिए पेड़ है। इसकी मैं कई वीडियो दे चुकी हूँ, ये हर साल इसी प्रकार से इसमें नारंगियाँ 100 के भी ऊपर आ जाती हैं और इनका यूज़ हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। विटामिन सी से युक्त होती हैं। साइक्लमिन प्लांट एक बहुत ही रेयर और ख़ूबसूरत फ्लावर है। इसका भी मैंने वीडियो अभी अपने चैनल पे डाला था। देखिए उस समय कम खिले हुए थे फूल, कितना खूबसूरत इसका फूल है, रानी कलर और पिंक कलर में। इधर ये देखिए क्लांचू लगा हुआ है। क्लांचू को प्रोपोगेट करना बहुत ही इजी है। ये मैंने पत्तियों से प्रोपोगेट किया है। इसकी पत्तियों को तोड़ करके आप गमलों में लगा दीजिए और ये इसी तरीके से उसमें रूट निकल आती है और ये देखिए पूरा पौधा तैयार हो गया है। इधर ये जो है ये सनेरियाज लगे हुए हैं। सनेरिया इस समय जो है वो बहुत अधिक ब्लूम पे है। इससे भी घने घने बहुत सुंदर पौधे सनेरिया के मिल जाते हैं। ये सनेरिया मैंने आपका दिसंबर में लगाया था और अब इसने अपनी ब्लूमिंग स्टार्ट कर दी है। डैंटस देखिए, डैंटस कितना अधिक मेरी बाग की रौनक को बढ़ा रहा है। डैंटस एक बहुत ही अच्छा परमानेंट फ्लावर है। जब ये फ्लावर सूख जाए तो इसके बीज तो हमको मिलते ही हैं। इसके साथ ही हम इसके अगर ये ऊपर से फूलों को कट कर दें सूखे हुए, तो ये जो नीचे से इसमें छोटे छोटे से पेड़ निकल रहे हैं, इनको हम तेज़ गर्मी में छाया में रख दें और कभी कभी पानी देते रहें, एक आध बार हल्की सी वर्मी कंपोस्ट डाल दें, तो ये आपके पूरे साल रहते हैं। मेरे ये पौधे, ये वाले, ये आपके पिछले साल के पौधे हैं जो अभी तक जो है आप देखिए इन जाड़ों में कितने सुंदर ब्लूम कर रहे हैं। ये तो डैंटस जो है वो सीजनल के साथ साथ एक परमानेंट फ्लावर भी है जो इस समय मेरे गार्डन की शोभा को बढ़ा रहा है। इधर जो ये है बर्मीना, देखिए बर्मीना से गमले भरे हुए हैं। बर्मीना जो है वो बहुत ही सुंदर सीजनल फ्लावर है और इसको अगर आप लगाएं, एक गमले में मैंने दो पौधे लगाए हैं और पूरा गमला देखिए भर गया है। कितना क्यूट बर्मीना का कलर है। ये है डार्क पिंक और ये है लाइट पिंक कलर का बर्मीना। इधर जो है ये गुलदाउदी, ये मेरे पिछले साल की सेव की हुई, मैंने बताया ऊपर से हम इसको कट कर देते हैं, नीचे से छोटे छोटे इसमें आपके सकुलेंट्स ये नीचे से निकल आते हैं इसके छोटी छोटी, उसको जो है
आप सेव कर लीजिए और वो नेक्स्ट ईयर आपके फिर खिलने लगती है। इधर वाइट भी गुलदाउदी लगी हुई है। अब आ जाते हैं ये बोगनवेलिया, ये तो एक ही है मेरे टेरेस पे, लेकिन नीचे बहुत लगे हैं और बहुत साल पुराने बोगनवेलिया हैं। ये आज के बोगनवेलिया नहीं हैं, ये बहुत पुराने हैं और हर साल इसी तरह खाद डालो तो ब्लूम करते हैं। अब ये मेरा फेवरेट फ्लावर लगा हुआ है डहलिया। मैंने आपको कई बार बताया कि डहलिया मेरा बहुत ही फेवरेट, बहुत ज़्यादा फेवरेट फ्लावर है। इसी के साथ ही रेनिकुलस भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट फ्लावर है, बिल्कुल रोज़ का लुक देता है। ये भी मेरे गार्डन में लगे हुए हैं। अभी रिसेंटली मैंने इसका वीडियो रेनिकुलस का डाला है। एक बहुत ही रोज़ से रिजम्बल करता हुआ फ्लावर है, डिफरेंट कलर्स में आता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और ये डहलियाज भी देखिए, ये इसमें आपका डार्क कलर का है, ये इधर शेडेड है। हर तरीके का डहलिया मेरे गार्डन में लगा हुआ है। और ये पीछे मैंने ट्रेज जो हैं ये आपकी पेटोनिया की तैयार की हैं। कितने सुंदर शेडेड पेटोनिया हैं जिनसे ये ट्रे भर गई हैं। इधर ये आपका डॉग फ्लावर लगा हुआ है, डॉग फ्लावर के साथ ही ये आपका कारिंडोला भी इस समय काफ़ी ब्लूम कर रहा है गार्डन में। और ये इधर ये पूरी ट्रे जो है ये आपकी डैंटस फ्लावर से भर गई है। कितना सुंदर देखिए लग रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। ऊपर के जितने सूखे हुए हैं उनको सबको कट कर दीजिए आप, और ये नीचे से इसके सैपलिंग सब निकल आते हैं। और ये नेक्स्ट ईयर पूरा मेरा तो परमानेंट ही रहता है, मैं इन्हें बस छाया में रखती हूँ और कम पानी देती हूँ, तो ये नेक्स्ट ईयर भी ब्लूम करते हैं। अब इधर आते हैं तो देखिए, इस बार मेरे गार्डन में रोज़ ने कम इफ़ेक्ट किया है, लेकिन इवन देन कलियाँ आ रही हैं रोज़ के प्लांट्स में। और अब शायद ये खिलेगा, ये पोनीटेल पाम है, ये मेरे गमलों में लगे हुए ये पोनीटेल पाम है। और ये नीचे जो है ये पीस लिली एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है, पर मैंने कहा आज इसको गमले में लगाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं ये कितनी सुंदर है। इसको आप सेंटर पीस पे लगाएं तो बहुत सुंदर लगती है। और ये जो है ये इधर केल लगा हुआ है, देखिए कितना सुंदर है ये ग्रीन केल, इसको भी मैंने अपने गार्डन में रखा है ये। और उसके बाद में ये नीचे भी यहाँ पर डेंटस लगे हुए हैं, और ये हैं आपके ये फ्लावर्स, इनका भी मैंने जो है वीडियो दिया है। नीचे जो है ये आपका पैंजीज, देखिए कितने अच्छे छोटे छोटे खुली हुई ट्रेज में ये पैंजी लगे हुए हैं। और बहुत इजी टू ग्रो है, इसको बहुत ज़्यादा सन नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको पानी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको मैन्योर नहीं चाहिए। और ये अपने आप जो हैं ये इसकी बास्केट जो हैं ये भर जाती हैं फ्लावर्स से, तो ये भी देखने में बहुत सुंदर लगता है। इधर भी ये डैंटस से, और इसके बाद ये जरवेराज, ये देखिए जरवेरा, इनकी ब्यूटी बिल्कुल डीप रेड कलर के जरवेराज हैं, ये समय मेरे गार्डन की ब्यूटी को बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं और पूरे अपने फुल ब्लूम पे हैं ये जरवेराज। और इधर ये रेनिकुलस सारा लगा हुआ है, रेनिकुलस और क्लांचू का मैंने कॉम्बिनेशन करके लगाया है, देखिए क्लांचू, ये क्लांचू का बहुत ही आसान है प्रोपोगेशन, मैंने बताया पत्तियों से भी ये प्रोपोगेट हो जाता है, ब्रांच से भी प्रोपोगेट हो जाता है। सब वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हैं, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं कि हम विदाउट मनी इन्हें कैसे ग्रो कर सकते हैं। क्लांचू को ग्रो करने में आपको कोई भी मनी लगने वाली नहीं है, सिर्फ इसको पत्ती से या शाखा से प्रोपोगेट कीजिए, इसमें रूट्स आ जाती हैं और ये बहुत खूबसूरत ये प्लांट लगते हैं। बनाना सकुलेंट की बास्केट्स हैं ये देखिए बनाना स्ट्रिंग सर्कुलेंट्स की बास्केट्स हैं ये, और ये बहुत प्यारी अब नीचे लटकने लगी हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। इधर भी ये केल लगा हुआ है, तो और ये इधर जो है ये डकनबेकिया लगा दिए हैं मैंने, इस बार डकनबेकिया की मैंने प्लेस चेंज कर दी है, क्योंकि इधर ये लगे हुए थे उधर थोड़ी धूप आ रही थी, तो धूप से क्या होता है कि इनकी ये पॉइंट्स जो हैं ये थोड़े पीले पड़ के और ये ख़राब होने लगे पत्ते, तो इनको सबको पत्तों को वॉश करके इन पे पूरा जो है वो शावर करके मैंने इनको डकनबेकिया को मैंने
छाया में लगाया है, बहुत ही प्यारा ये भी ग्रीन प्लांट है ये। और इधर ये तैयार हो रही है मधुकामनी, और गर्मियों में अब ये काफ़ी ब्लूम करेगी। ये नाग चंपा की पूरी कटिंग कर दी है, नाग चंपा में भी अब शाखाएं आएंगी। तो इस तरीके से ये पूरा ही मेरा गार्डन लगा हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर, ये प्यारा मालूम देता है। आप लोग भी अपने गार्डन में इन पौधों को ऐड करिए, और कोई ज़रूरी नहीं है कि इनमें सभी में आपकी मनी लगे। अगर आप इनको गर्मियों में भी सेव कर लेते हैं तो ये जाड़ों में आपके काम आते हैं। अब देखिए बोगनवेलिया आज नहीं, कम से कम मेरा 7-8 साल पुराने ये बोगनवेलिया हैं, और ये कितने सुंदर ब्लूम कर रहे हैं। नीचे भी रेड कलर के और गुच्छे में लगे हुए हैं। प्लांचू भी बहुत इजी टू ग्रो है, कुछ ही प्लांट होते हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं कि उनको हम परचेज़ करें या उनको लगाएं। तो आशा है मेरे गार्डन के ये फ्लावर्स आपको अच्छे लगे होंगे, गार्डन ओवरव्यू अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी फ्लावर के बारे में आपको जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर एक फ्लावर की जानकारी आपको पूरा डिटेल में दूंगी। और अपने गार्डन को इसी प्रकार से मेंटेन करिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।